हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को टूल एंड कैरेट इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कि कैरेट इंडेक्स कैसे करते हैं, और आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ये कैरेट है, ये टूल ये बंधा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, कैरेट को इंडेक्स करने के लिए आप पहले सबसे पहले तो आप अगर आपका ये कैरेट नीचे है तो इसको सबसे पहले आप ऊपर ले जाएंगे दोस्तों। उसके लिए हम रेफरेंस कर लेंगे एक पोजीशन में, रेफरेंस कर लिए दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों देखिए, उसके बाद से हैंडल में ले जाएंगे। हैंडल में ले जाने के बाद अगर आपको इंसर्ट चेंज करना हो कोई सा भी, अगर इंसर्ट चेंज करना हो ये चाहे WMM भी है, ये कोई सा इंसर्ट चेंज करना हो तो पोजीशन पर लाएंगे, और उसके बाद से हम हैंडल में ले जाएंगे। इसके बाद से दोस्तों ये हमारे में माइनस और ये प्लस तो दिया ये हुआ है, किसी किसी मशीन में डायरेक्ट रहता है इंडेक्स का, लेकिन हमारे में ये माइनस करेंगे दोस्तों। देखिए माइनस करेंगे और ये बीच का ये जो है ये बटन दबाएंगे दोस्तों, ये नीचे की तरफ जाएगी। ये माइनस में होगा तो ये नीचे जाएगी, ये देखिए माइनस में करेंगे तो ये नीचे जाएगी, देखिए। और ये जो पोजीशन है ये प्लस में करेंगे दोस्तों, प्लस में दबाएंगे तो ये ऊपर के साइड में जाएगी, देखिए। ये प्लस में करेंगे हम तो ये ऊपर के साइड में जाएगी। तो हमारे में तो ये माइनस और प्लस दिया हुआ है दोस्तों, और माइनस में अगर नीचे करना है तो माइनस करेंगे, और ऊपर करना है तो प्लस करेंगे दोस्तों। यहाँ ये टूल नंबर दिया हुआ है, जो आपको इंसर्ट चेंज करना है, जो मशीन में टूल बंधा हुआ है जो इंसर्ट चेंज करना है उसी हिसाब से हम उसको दबाएंगे तो अपने पोजीशन पे आ जाएगी दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि कैसे टूल इंडेक्स किया जाता है दोस्तों मशीन को, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। इसलिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये हमारा ये फानुक आई सीरीज है, दुकान का मशीन है दोस्तों, इसी डिशी में डायरेक्ट रहता है टूल इंडेक्स के लिए। इंडेक्स दबाएंगे तो इंडेक्स होता रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ माइनस प्लस दिया हुआ है, ये आप लोगों को दिखा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इंडेक्स रहता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।